अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन पर मुंबई में गड्ढों का मरम्मत का कार्य प्रारंभ। मुंबई की खस्ताहाल सड़कों के फिरे दिन, सभी गड्ढे भरने का व्यापक अभियान, वो भी दो दिन में। वजह, तीन दिन बाद यूएस प्रेसिडेंट का हमारे देश का दौरा। मैं समझ गई, मैडम सर ने हमें कोई मैसेज नहीं भेजा है, उन्होंने डायरेक्ट केस सॉल्व करने का आइडिया दिया है हमें। अच्छा तो अब हम चलते हैं। वो कहा है कि फॉरेनर डेलीगेट्स आए ना सरकारी स्कूल के दौरे पर, तो उनसे मीटिंग अटेंड करने जाना है। हाँ, हमारे देश की छवि का सवाल है। अगर हमारे स्कूल की छवि चकाचक रहेगी तो हमारे इस देश की छवि भी तो चकाचक रहेगी। तुम ठीक कह रही हो संतो, ये कोई संदेश नहीं है, ये केस हल करने का एक कुंजी है जो मैडम सर ने हमको भेजा है। तुमने सही समझा था एकदम, ये इलाज है इस केस को हल करने का। अरे किस बात का हल मिल गया भाई, जरा हमसे भी शेयर कीजिए, हम भी कुछ लगते हैं इस थाने के। कंधे के दर्द का जो है हल मिल गया है हमको, ये बाम इसको लगाते ही हर दर्द का हो जाता है काम तमाम। हाँ, बहुत पुराना है, मतलब हमारे बचपन से हम देखते हैं। हाँ। अरे ओ, तुम दोनों सस्पेंड हो गए हो ना? जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मुंबई में जो वाक्य हुआ था जब फॉरेन मिनिस्टर आया था तभी उन्होंने अपनी सड़कों की रिपेयर करवाई थी, मतलब सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। अगर कोई जानी मानी हस्ती बाहर से इंडिया आती है तभी ये लोग सड़कों की रिपेयर करवाएंगे, गड्ढे भरवाएंगे सिर्फ इम्प्रेशन जमाने के लिए। क्या बात है, क्या आइडिया है करिश्मा सिंह, ब्रिलियंट। बकवास आइडिया है सर, दो मिनट में पकड़े जाएंगे सर, फ्लॉप है प्लान पूरा। दीवान जी, खुद तो कभी आपने अच्छा सोचना नहीं है, जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं सोच रहे हैं अप्रिशिएट कीजिए ना, क्यों नेगेटिव चीजें ढूंढ रहे हैं बीच में। हाँ जी करिश्मा सिंह, तो वैसे आइडिया किसका है ये? मैडम सर का। क्या? मैडम सर का मतलब मैडम सर, हाँ मैडम सर के नक्शे कदम पर ही हम सब चल रहे हैं ना, उनका ऊर्जा भरा हुआ है हमारे अंदर, तो जैसा वो सोचती है वैसा ही हम सोच रहे हैं, तो ऐसा आइडिया। मैडम पर उसके लिए जो नकली फॉरेनर लगेंगे वो कहाँ से लाएंगे? उसका इंतजाम किया है हमने, हमारा बिल्ला है ना वो। हालो समाप्त से बढ़ते हैं। I'm foreign ministry। खत्म। अंग्रेज बनाकर लाए भी तो किसको? इस बिल्लू को। अब तो सर प्लान पक्का फ्लॉप है। हेलो, हेलो। पता था। क्या माँ, क्या है ये? तुमको बोला था असली का अंग्रेज चाहिए, अंग्रेज का जला हुआ कबाब नहीं। पर ओरिजिनल अंग्रेज एक्टर बहुत पैसे लेते हैं। पर नहीं, 2000। मैं देता हूँ ना, ये लीजिए 2000 रुपए चाहिए ना सर। पूरा सुन लीजिए, इंडियन करेंसी नहीं, 2000 अमेरिकन डॉलर चाहिए उनको। अब दे दो। दीजिए सर, अब 2000 डॉलर दीजिए। हे भगवान, इतने सारे पैसे तो हम जैसे कुशल अभिनेत्री ने भी कभी नहीं मांगे। देता कौन है माँ, बट हमारी कला बिकाऊ नहीं है, उबाऊ है। तुमको तो अब इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है करिश्मा सिंह। जानते हैं सर, एक ईमानदार पुलिस वाले के पास इतना कहां से होगा, हमें कुछ सोचना होगा। अब एक मिनट, ये फॉरेन मिनिस्टर कोई लेडी भी तो हो सकती है। मैडम लेडी हो या लेडा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। नहीं, ये लेडी पैसे नहीं लेगी। ऐसी कौन सी वॉलंटियर मिल गई आपको जो फ्री में काम करने को तैयार हो गई है? हाँ? पहले तो लग रहा था कि 1% चांस है, बट अब हम 100% श्योर है कुछ नहीं हो सकता। करण जी चुप रहिए,
बात सच बताएंगी, आपको गिरने की आदत है या मुझे देखते गिर जाती हैं आप? अब क्या करें, आपके जैसा कोई सामने होगा तो कोई भी फिसल जाएगा। यकीन होता है ना कि आप संभाल लेंगे। चलिए गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। नाम तो सुना ही होगा, बड़ा फेमस गेम है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, ट्रूथ या डेयर, सच या चुनौती? चुनौती। चुनौती। हमें आपके सिक्स पैक एब्स देखने हैं। ट्रूथ 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 चूज करते हैं। ट्रूथ ट्रूथ। चलिए ठीक है, जैसे आप कहें। सच सच बताइए, इस खाने में क्या चल रहा है? करिश्मा सिंह और उसकी टीम क्या खिचड़ी पका रही है? I don't know. सच? बिल्कुल। आपकी आंखों में कुछ तो बात है, इन पर यकीन करने का मन करता है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अगर ऐसा कुछ भी पता चलेगा तो आप सीधे आके हमें रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि क्या है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और थाने वालों की हार में ही हम दोनों की जीत है। जीतने पे मुझे तो थाना मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा? हाँ, राहत। मैं कुछ समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। कुछ लड़ाइयां सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सामने वाले को हराने के लिए लड़ी जाती है। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। देख रहे हो लोटे? एकदम हिंदी कुल्हड़ से अंग्रेजी एस्प्रेसो, एकदम अंग्रेजी बुढ़िया लग रही है। अंग्रेजी गुड़िया, अंग्रेजी गुड़िया लग रही है एकदम। काश काश लल्ला के पापा हमें इस लिबास में देखते। अच्छा, तो आप दोबारा शादी कर लेते? पुष्पा जी, अब ना आप फटाक से डायलॉग बोलकर दिखा दीजिए, ताकि हम लोग को भरोसा हो जाए कि आप इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए चलिए, एक खूबसूरत सा डायलॉग हो जाए पुष्पा जी। आई एम द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, आई लिव इन बुकिंघम पैलेस। पैलेस? ना ना माँ, आपने तो अंग्रेजी भाषा की लाश बिछा दी। ये आपकी अंग्रेजी भाषा सुनकर मुझे अंग्रेजी भाषा पर से विश्वास ही उड़ गया है। नहीं नहीं, हम फिर से नहीं, कुछ सिर्फ आपका पैकेज अंग्रेजी में है। मुंह खोलते ही अमीनाबाद के गोलगप्पे बाहर आ रहे हैं आपके मुंह से। संतू कुछ करो, ये मरवा देंगे। नहीं नहीं, हम बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे क्यों नहीं फॉरेन मिनिस्टर बना के भेज देते? मैंने डेमो भी दिया था। तुम ना बाबू, बिना मेकअप के ना किसी आदमखोर दरिंदों के कबीले का सरदार लगता है, जो दौड़कर आदमी का फेफड़ा मुंह में खींच रहा। एक साथ इतना अपमान, इतना इंसल्ट। माओ भाग। हाँ पुष्पा जी सुनिए, आप इंग्लिश छोड़ दो, क्योंकि आप कचरा करके आओगे। ठीक है, हिंदी में बोलो, लेकिन हिंदी को इंग्लिश एक्सेंट में बोलने की कोशिश करो। जैसे हम तुम्हारे देश में आए हैं, हम क्वीन हैं, ऐसे थोड़ा क्लास लाइए। ठीक है, ऐसे हम तुम्हारे देश में आए हैं, हम तुम्हारे 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 हाँ, हम तुम्हारे देश में आए हैं। हम तुम्हारे देश में आए हैं, हम तुम्हारी क्वीन हैं। शाबाश, बेहतरीन। ये हुआ ऑडियो और वीडियो का रियल मैच, है ना? सुन लिए। एक मिनट, हमारे मानने से कुछ नहीं होता है। जिनके लिए हम ये तामझाम कर रहे हैं, उनके मानने से होता है। वो हमारे प्रपंच में आने चाहिए, जितने भी गड्ढे हैं वो सब भरने चाहिए, तभी असली मायने में ये केस सॉल्व होगा और संतु और चीते को उनका जॉब वापस मिलेगा। समझे सब? मामी। अरे हाँ, संभाल अरे नेताजी,
नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमें फोन कर लिया होता हम आ जाते आपसे मिलने के लिए। आपने कहा है इतना कष्ट उठाया इतनी दूर आने का। और नहीं तो क्या। अरे बुलावा आया है आपके थाने से। किसका? करिश्मा सिंह का? अरे नहीं नहीं वो नहीं, वो दूसरा पुलिस वाला है, वो SHO, क्या नाम है उसका? अमर विद्रोही। हाँ हाँ अमर विद्रोही। अमर विद्रोही ने आपको यहाँ बुलाया है? पर काहे? अब काहे ये हमको क्या पता, कोई और पुलिस वाला होता तो अपनी कोठी पे बुलवा लेते। बिल्कुल। पर क्या? हमने बताया था कि ये अमर विद्रोही किस आफत का नाम है, चलकर हम खुद मिल लेते हैं। चलिए चलिए सर। हाँ चलिए नेताजी। अरे नेताजी 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 ओए नमस्ते कह रहा हूँ। हमारी तरफ से नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते। लस्सी यादव जी है ना, 5 साल पहले देखा था जब वोट मांगने आए थे, हमारे अहोभाग के आपके कदम यहाँ पधारे हैं। 5 साल पहले कैसे ऐसे सुखड़े सिकड़ के से लगते थे ना। हाँ। तुम्हारी तरह। हाँ, हाँ, अभी तो एकदम बिल्कुल मोटे नहीं, हेल्दी इनकी तरह। नेताजी इतने साल बाद आप आए, सड़क के गड्ढों का हाल देखिए, इसको भी ठीक करवा दीजिए ना। इंग्लैंड की महारानी आ रही है, आप देखेंगी ऐसे गड्ढे तो हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे। इंग्लैंड की महारानी आ रही है और हमें किसी ने अभी तक कुछ बताया नहीं। नेताजी आप भी क्या किसी की बात पे भी भरोसा कर लेते हैं? अरे ये निठल्ले आवारा है इस सड़क के गली के बस एक ही काम है इनका, हवा में दुप्पे उड़ाना। अरे ये सब बकवास है, अगर कोई इंग्लैंड की बड़ी महारानी आ रही होती तो हमें नहीं पता होता का? अरे हम इस थाने के SHO है भाई, सब बकवास है नेताजी। आप अंदर चलिए, हम अंदर चलकर बात करते हैं। चलिए। अब गाड़ी इतना कीचड़ है, पार्किंग में लगवाओ। अरे भाई गाड़ी पीछे पार्किंग में लगाओ जल्दी। नाम सर देखिए, इसको थोड़ा नीचे करो और उधर बाएं साइड में बांध दिया है। क्या? नहीं यार तुम एक नंबर के पकड़ाओ रहे, बिना मैंने पूछे बांध दिया है, है? कुछ भी कर देते हो तुम। वो आ गया, आ गया। क्या नवाब साहब क्या कर रहे हैं आप? हाँ बैनर लगवा रहे हैं कि मेहंदी लगवा रहे हैं? आपके मेहमान है ना तो अपनी हवेली में लेके जाइए, हमारे थाने को बारात घर काहे बना रहे हैं आप? अरे हम तो वही करने वाले थे, लेकिन हमारी हवेली के पास बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पे हमारे मेहमान की गाड़ी नहीं आ सकती है। अरे इतने बड़े गड्ढे हैं जो मेन रोड से लेके हवेली तक है, पर आपको तो खुश होना चाहिए हैं कि आपके इस थाने में इतनी बड़ी मकबूल मशहूर और मारुख शख्सियत आ रही है। अरे उनके आने से आपके इस थाने में चार चांद लग जाएंगे, इसकी किस्मत खिल जाएगी। अरे हम आपको उनका डोनेशन दिलवाएंगे ना। हाँ जो थाने के अंदर ये जो केस की फाइलें रखी हुई है ना, अरे इनकी जगह पे नोट के भरे हुए सूटकेस रखे जाएंगे। अरे नवाब साहब, नवाब साहब कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक है लस्सी साहब, भाई कमाल हो गया। अरे हमने तो ये सुना था कि आप अपने दौलत खाने को छोड़ के कभी बाहर नहीं निकलते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये तो हमारी खुद नसीबी है कि हमें आपके दीदार हो गए। अरे हमें नहीं मिलवाएंगे अपने वो खास मुअज्जिन मेहमान से? हम भी तो आपके अपने हैं। अरे क्यों नहीं मिलवाएंगे, अरे हम जरूर मिलवाएंगे भाई, आप भी तो हमारे शहर के महान शख्सियत हैं। अच्छा ये बताइए आप थाने में क्या कर रहे हैं, मतलब आपने फिर से कोई घोटाला किया क्या? वो मैंने बुलाया है, FIR के बारे में इनसे कुछ पूछताछ करनी है। अच्छा ये नेताजी। 2 मिनट सर। विद्रोही जी जरा 2 मिनट आइए ना, आइए आइए अरे आइए आइए। अरे अरे ये क्या कर रही है, हाथ छोड़ी। अरे आप हमें बताइए ये चल क्या रहा है, मतलब क्या समझे हम? आपको थाना भी हासिल करना है, MPT वालों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, पूछ सकते हैं क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे नेताजी पे फिर से FIR हुई है, उन्हें वापस थाने बुलाया गया है, ये मामला फिर से नए सिरे से उधेड़ा जा रहा है, मतलब आपकी इस कार्यवाही का क्या मतलब समझे हम? यही ना कि आप अभी भी उस नौटंकी मंडली को सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। और रही उस नेता लस्सी यादव की बात, तो उसके अगेंस्ट सच में FIR दर्ज हुई है जिसकी मैं अपने तरीके से छानबीन कर रहा हूँ। चलिए अब इतनी गहरी आंखों वाले झूठ थोड़ी ना बोलते हैं। चलिए मान लिया कि FIR दर्ज हो गई है, तो अब दिखावे के लिए थोड़ी बहुत खाना पूर्ति करनी पड़ेगी, तो बस आप बस खाना पूर्ति कीजिए और इस टंटी को निपटाइए, नेताजी को जाने दीजिए। पर ये अमर बाबू
कीमत मौके की नहीं, मौके का फायदा उठाने वाले की होती है। और आपका और हमारा फायदा किस में है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या है? नहीं, ये हुई ना बात। अरे जब पहली बार आपको देखा था तभी समझ गए थे आदमी कंचा है आप। जाइए नेताजी, अब आपको यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सम्मान अपने घर वापस जा सकते हैं। और आपको आने में जो जहमत हुई उसके लिए खेद है, बाकी आप यहाँ पर आए और हमारे स्थाने को धन्य किया उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। चलिए हम आपको आपकी गाड़ी की तरफ छोड़ देते हैं। अरे मिश्री जी, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो आए हैं, अब जब आ गए हैं तो थोड़ा रुक कर जाएंगे क्यों जी? थाने का कुशल मंगल जान लें और फिर नए अतिथि आ रहे हैं उनके भी तो दर्शन कर लें फिर चले जाएंगे, क्यों ठीक कहा ना मैंने? ही इतने बड़े लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हमारे नेताजी, ऐसे ही चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आखिर इनका भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है अपने क्षेत्र के थाना के प्रति। अब तो नेताजी थाने पर अपना आशीर्वाद देकर ही जाएंगे और नवाब साहब के खास मेहमान से मिलकर ही जाएंगे। आखिर डोनेशन का सवाल है। बिल्कुल। अरे हमारी खास मेहमान आ गई है। अरे कारपेट कारपेट कारपेट। आइए क्लारा जी, आपका इस्तकबाल हो। आइए आइए, आपका इस्तकबाल हो। आइए 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 आइए, इस्तकबाल हो। ये है महारानी क्लारा, हमारी अजीज दोस्त, आपका इस थाने में इस्तकबाल हो, इस्तकबाल हो, इस्तकबाल हो। कहीं नवाब साहब की दिल फे काशिकी के चलते पूरे प्लान मटिया मेट ना हो जाए। महारानी क्लारा, आपका इस थाने में इस्तकबाल हो, इस्तकबाल हो, इस्तकबाल हो। ये लीजिए बदनाम ही स्पेशल चाय, गला वाला सब साफ हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, ये मरवाएगा। इधर इधर रानी, में चाय नहीं पीती, चाय नहीं, बिरयानी बिरयानी नहीं, हेड ड्रिंक लेती है। पप हाउ डू यू डू, जह नसीब जह नसीब जन। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? माशाल्लाह, आपकी जो खूबसूरती है ना वो और जलवा अफसोस हो रही है। अखरोट, हाउ डेयर यू टू कॉल हर अखरोट? नो नो, माय लेडी लव, वो अखरोट नहीं बोल रही है, वो अफरोज बोल रही है, एंड दैट मींस वेरी वेरी ब्यूटीफुल जैसा तुम है। आप भी नमाज साहब, मगर आप नवाब साहब, आप पहले जैसा नहीं लगता, हैंडसम नहीं लगता, बुझा हो गया, बुझा। और क्या है ना क्लारा, ये जो उम्र का तगाजा है भाई, आप जैसी कहां खूबसूरत लग सकते हैं ना नवाब साहब। अरे बाद में बात करेंगे। वाह वाह, क्या लग रही है, मतलब आप कमाल की लग रही हैं, बवाल की लग रही हैं। अरे आपके लिबास को देख के ना हमारे जो जज्बात है ना वो ओवर कंट्रोल हो रहे हैं, अरमान कहीं बाहर ना जाए, कहीं हसीन गुस्ताखी ना हो जाए। सारा तारीफ आप यहीं करेंगे, अंदर के लिए भी कुछ छोड़ेंगे? ये करिश्मा सिंह बार बार नवाब जी को क्यों रोक रही है? कुछ तो बात है, पता करना पड़ेगा।